लॉकडाउन में नहीं बिक रही सब्जियां, मजबूरी में जानवरों को खिला रहे किसान। लॉकडाउन के चलते सब्जी की खेती करने वाले किसानों पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। खेती के लिए पहले ही कर्ज ले चुके किसानों को सब्जियों की कीमत नहीं मिल रही। नतीजा यह है कि कर्ज चुकाना तो दूर, वे फिर से उधार लेने को मजबूर है। कुही तालुका के राजोला गांव में भी सब्जी की खेती करने वाले किसान खासे परेशान है। उनकी परेशानियों का ये आलम है कि उन्हें अपनी फसल जानवरों को खिलानी पड़ रही है। लॉकडाउन के चलते सारे सपने टूट गए। फसल खेतों में लगी लगी सड़ने लगी है क्योंकि खरीदार नहीं मिल रहे। खरीदार मिल भी जाए तो फसल की कीमत नहीं मिल रही। किसानों का कहना है कि उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। यही वजह है कि अब किसान जानवरों को फसल खिला रहे हैं। राजोला गांव के भुक्तभोगी किसान चेतन वैद्य का कहना है कि एक किसान अपनी फसल तैयार करने में कई महीने की मेहनत लगाता है। उसे उम्मीद रहती है कि उस फसल से वह कुछ पैसा कमा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसी वजह से सब्जियों के बराबर दाम न मिलने पर वह स्वयं खड़े रहकर जानवरों को अपनी फसल खिला रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में व्यस्त जिला प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर लॉकडाउन और बढ़ाया जाता है तो आने वाले समय में हालात और भी खराब हो जाएंगे। प्रतिनिधि गुरुदेव बंधुते, महाराष्ट्र दर्पण न्यूज़, पुरी।